एलपीजी सिलेंडर विस्फोट होने से गोंडा में दो मकान जमींदोज़, हादसे में 8 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 लोगों को बचाया गया। लखनऊ में कोरोना से 15 दिन के भीतर एक ही परिवार के 8 लोगों की गई जान, परिवार के 4 भाई, 2 बहनें और 2 महिलाओं ने कोरोना से तोड़ा दम। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला, पीएम मोदी ने कहा छात्रों की सुरक्षा और सेहत के साथ समझौता नहीं। सीबीएसई के बाद सीआईएससी ने भी रद्द की 12वीं की बोर्ड परीक्षा, कोरोना संक्रमण के चलते लिया गया फैसला, 10वीं की परीक्षा पहले ही की जा चुकी है रद्द। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं पर बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कहा अभी हमारे पास वक्त है, हालात के मुताबिक होगा फैसला, छात्रों की सेहत और सुरक्षा का बताया अहम। यूपी के हर जिले में खुलेगी योग की पाठशाला, संस्कृत संस्थानम ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, 15 जून तक होगी योग शिक्षकों की भर्ती, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होगी वर्चुअली शुरुआत। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद पीएम के फैसले का बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया स्वागत, ट्वीट कर लिखा बीएसपी इस फैसले का स्वागत करती है। आपराधिक केस में तत्कालीन गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा देश में गिरफ्तारी ही पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार का कारण, कोर्ट ने नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट का दिया हवाला। कोरोना संक्रमण और चक्रवाती तूफानों पर एसपी सांसद एसटी हसन का बेतुका बयान, कहा शरीयत में छेड़छाड़ से आई आफत, नहीं सुधरी बीजेपी सरकार तो आएंगे और तूफान। राजधानी लखनऊ में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए हो रहा था संचालन, मौके से 2 विदेशी महिलाओं समेत 10 लोग गिरफ्तार। जौनपुर के बादशाहपुर थाने में तैनात एसओ ने ट्रांसफर पर स्थानीय लोगों ने गाजे बाजे के साथ की विदाई, मौके पर कोविड गाइडलाइन का नहीं दिखा पाना। मिर्जापुर के शहर कोतवाली इलाके में सिंचाई विभाग के वाहन चालक और ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। संबल में तेज रफ्तार डीसीएम का टार अचानक फटने से हुआ हादसा, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 3 घायल। रामपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर चिकित्सालय का मंत्री बलदेव सिंह औलक ने किया निरीक्षण, ऑक्सीजन प्लांट का भी किया निरीक्षण। जौनपुर में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने अस्पतालों का निरीक्षण किया, कोरोना मरीजों और उनके तीमारदारों से फोन पर बात कर व्यवस्थाओं का जाना हाल। ट्रेन से अचानक लापता हुई बच्ची का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, पिता ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 51 शीशी देसी शराब बरामद। वाराणसी में कॉरिडोर हादसे पर सियासत हुई शुरू, घायलों से मिलने पहुंचा कांग्रेस का दल, पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा देने की मांग। फरुखाबाद में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद कोरोना से संक्रमित होने वाले 24 टीचर्स ने हरी जंग, शासन को इन टीचर्स की भेजी जा रही रिपोर्ट। बस्ती में पुलिस और सर्विलांस की टीम ने 81 खोए हुए मोबाइल किए बरामद, लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही कीमत, एसपी ने मालिकों को सौंपे उनके मोबाइल। रामपुर में आंधी तूफान से किसानों का हुआ नुकसान, आम की फसल का हुआ नुकसान, बाग में कई आम के पेड़ गिरे। गौतमबुद्ध नगर में नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, थाना सूरजपुर में पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी शिकायत। सीतापुर में एक घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, हादसे में 3 लोग हुए घायल, गैस सिलेंडर लीक होने से हुआ हादसा। लखनऊ में वैक्सीन लगवाने के बाद युवक की तबीयत हुई खराब, वैक्सीन लगाने के बाद आए चक्कर, छोटा इमामबाड़ा सेंटर पर एम्बुलेंस बुलाकर युवक को भेजा गया केजीएमयू। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने की मदद, चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर और भाप मशीन का किया गया वितरण। सहारनपुर में दिखा बेहद सुंदर नजारा, सूरज के चारों ओर दिखी सतरंगी रिंग। अमेठी में कोरोना नियंत्रण को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, डीएम और सीएमओ ने किया अस्पताल का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दिए जरूरी निर्देश। आजमगढ़ में पुलिस ने क्लिनिक पर फायरिंग कर 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, 3 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए। मेरठ में वेस्ट नहीं हो रही कोरोना वैक्सीन, एक वॉल से 10 लोगों को लगाई जाती है वैक्सीन। अमेठी में कार सवार बदमाशों ने मैजिक को लूटा, मैजिक चालक को बनाया बंधक, फिर हुए फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में करोड़ों की लागत से कराया जा रहा दमकल विभाग के 3 भवनों का निर्माण, तेजी से चल रहा निर्माण कार्य, जल्द होगा पूरा। गौतमबुद्ध नगर में एटीएम फ्रॉड में वांछित चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से कैश और एटीएम कार्ड बरामद। प्रदेश के कस्तूरबा विद्यालय में हुए घोटाले की जांच को लेकर सुल्तानपुर पहुंचे एडी बेसिक मनोज गिरी, विद्यालय का निरीक्षण कर पत्रावली तलब। हाथरस में 24 मई को हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूटा हुआ कैश, बाइक और असले बरामद। अयोध्या में देवी माता मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, बिजली गिरने से टूटा गुंबद, दीवारों में भी आई दरार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हमीरपुर में एसपी ने शराब की दुकानों का किया निरीक्षण, रजिस्टर और स्टॉक का किया चेक, दुकानदारों को दी चेतावनी।
ललितपुर में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत, शरीर पर मिले चोट के निशान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद की थाना पचोखरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लगभग 1 करोड़ रुपए की हीरोइन के साथ 2 लोग गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में युवती की नदी में लगाई छलांग, मछुआरों ने की युवती को बचाने की कोशिश, तलाश में लगाई गई गोताखोर। शामली में एक शख्स ने शराब के नशे में अपनी पत्नी और बेटे पर धारदार हथियार से किया हमला, हमले में महिला की हुई मौत, बेटा घायल, आरोपी पति फरार। एसटीएफ प्रयागराज यूनिट को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख की नकली करेंसी बरामद करते हुए अंतर्राज्यीय तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा से लेकर आ रहा था नकली करेंसी। चंदौली में प्रधानपति की गोली मारकर की गई हत्या, आईजी वाराणसी जोन, एसपी, एसपी और सीओ ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर पट्टीदारों में हुए खूनी संघर्ष में एक शख्स की हुई मौत, घटना उत्तर पट्टी गांव की, मौके पर पहुंची पुलिस, गांव में बनी हुई है तैनाती पुलिस की। नोएडा पुलिस ने एटीएम बूथ की मशीनों में कैश लोडिंग करने के दौरान 10 लाख रुपए गबन करने वाले कस्टोडियन को किया गिरफ्तार, थाना सेक्टर 24 पुलिस को मिली सफलता। आगरा में एक प्रेमी के हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो हो रहा वायरल, प्रेमी ने पहले महिला को पीटा और फिर ब्लेड से काटा अपना गला। कानपुर में सिस्टम की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करने वाला वीडियो हो रहा वायरल, वीडियो में बेड से बंधा हुआ दिख रहा मरीज, हैलेट अस्पताल का बताया जा रहा वीडियो। आगरा से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थाना अचनेरा के गांव नगर की तस्वीरें, तस्वीरों में पुलिस की हैवानियत हुई कैद, युवकों को बुरी तरह पीटने का आरोप। सुल्तानपुर के सागर के आश्रम गांव में महिलाओं ने शपथ लेकर शराब के धंधे को छोड़ा, सरकारी योजनाओं के माध्यम से अपना जीवन यापन करना चाहती है महिलाएं, मदद में जुटा प्रशासन। फिरोजाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए शुरू हुई कवायद, बीजेपी की जिला प्रभारी ने सांसद के साथ सपा से निष्कासित विधायक के घर पर घंटों की चर्चा। जौनपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, भीलमपुर गांव में बिजली गिरने से 2 नाबालिग लड़कों की हुई मौत, अन्य घटना में 1 महिला और 1 नाबालिग झुलसे।